इसीलिए आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही काम किया, शिक्षा के लिए प्रथम स्थान दिया। उन्होंने कहीं प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी योजनाओं में हाई स्कूल कॉलेजेस सभी और उसके बाद आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने खोला और ये इंस्टीट्यूशन देश के विजन बने। और जब हम देश के लिए जो एक विजन बना के चलते हैं तो वो बहुत दिन चलता है, लेकिन उसको छोड़ के सिर्फ अपने ही काम के पीछे जाता है। ये सब एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन हो और इसका लाभ चाहे अपना मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स हो, कुछ इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। इसीलिए तो एक तो संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन बनाया गया, लेकिन इसमें आज ओबीसी के बच्चों के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलना है वो नहीं है। और क्योंकि कोई कारण लगा के वो घट जाते हैं। एससी एसटी के भी ऐसे ही होते हैं कि कई जगह जो रिजर्वेशन है उसको घटाने की बहुत कोशिश चल रही है, जैसा कि कोई क्वालिफिकेशन बढ़ाना, कोई एक्सपीरियंस बढ़ाना, कोई एज का, ऐसे सारे चीज़ें लाके ये एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कैसा काटा जाए ये चंद लोग सोचते हैं। और इसके ऊपर कोई इसको कोई भी सरकार इसको जांच नहीं करती, उनके लिए कोशिश नहीं करती, तो ये बहुत बड़ा जो हमारे देश के लिए नुकसान है। और ख़ासकर स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप उनको रेगुलरली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, वो देरी से जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब तक आपका पैसा यहाँ भरा नहीं जाता आपको हम एडमिशन दे नहीं सकते, या एक महीना दो महीने होने के बाद आपका स्कॉलरशिप नहीं आना, उसीलिए यहाँ पर जगह नहीं है, बंद कर दो। ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और पहले से ये मानसिकता है कि समाज को मैं ये मोदी जी आए इसलिए ऐसा हुआ ये नहीं बोलता, कि ये समाज की एक मानसिकता है, धार्मिक मानसिकता बोलो या ऊपर नीचे क्या बोलो, ये सब में है।